आपका अपना चैनल न्यूज़ TNN लेकर आया है आज की प्रमुख सुर्खियां। देश के नए राष्ट्रपति के पहले राउंड की काउंटिंग में एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को काफी पछाड़ दिया है। अंदाजा लगाया जा रहा है कि द्रौपदी मुर्मू को गैर एनडीए सांसदों के भी वोट मिले हैं और उनका राष्ट्रपति बनना लगभग तय है। नेशनल हेराल्ड केस में आज ईडी ने फिर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से पूछताछ करी, जिसके चलते कांग्रेस के कार्यकर्ता और कई बड़े नेता सड़कों पर उतर आए और पूछताछ का विरोध किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सिंगापुर नहीं जा पाएंगे। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दौरे के लिए मंजूरी देने से इनकार कर दिया है। LG ऑफिस ने कहा है कि यह मेयरों का सम्मेलन है, इसमें मुख्यमंत्री का क्या काम। राज्यसभा में लगातार हो हल्ला कर रहे आप सांसद संजय सिंह को उपसभापति हरिवंश सिंह ने लगाई झाड़। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पेट दर्द की शिकायत के चलते दिल्ली के अपोलो अस्पताल में भर्ती हुए हैं। इस बीच उनका एक वीडियो सामने आया है जिसमें वह प्रदूषित पानी पीते हुए दिखाई दे रहे हैं। शिवलिंग पर अधिकार, शिव भक्तों की पुकार। काशी विश्वनाथ ज्ञानव्यापी मस्जिद विवाद पर आज दोपहर 2 बजे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें जस्टिस DY चंद्रचूड़, सूर्यकांत और PS नरसिम्हा की विशेष बेंच ने इसकी सुनवाई करी, जिसमें ज्ञानव्यापी परिसर के अंदर सर्वे को चुनौती देने वाली अंजुमन इंतजामिया मस्जिद मैनेजमेंट कमेटी की याचिका पर भी सुनवाई हुई। दिवंगत गायक सिद्धू मूसेवाला के पिता को मिली पाक से धमकी, उन्होंने कुछ महीने के लिए छोड़ दिया अपना गांव। एक तरफ जहां भारत के कई राज्यों में बाढ़ ने तबाही मचाई हुई है, वहीं अब मॉनसून भी अलर्ट मोड पर आ गया है। राजस्थान के कई जिलों में येलो अलर्ट का ऐलान किया गया है, वहीं पंजाब से लेकर बिहार तक भारी बारिश की आशंका जताई गई है। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप अनुरानी पहुंची फाइनल्स में, कल नीरज चोपड़ा उतरेंगे मैदान में। क्या नीरज चोपड़ा खत्म कर पाएंगे 19 साल का मेडल का सूखा। पाकिस्तान में रोजमर्रा की चीजों के आसमान छूते दामों के बाद अब पाकिस्तान में दवाइयों की भारी कमी से आत्महत्या दर बढ़ने का खतरा भी मंडरा रहा है। देश और दुनिया की खबरों को जानने के लिए देखते रहिए न्यूज TNN।